देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला का पार्ट टू है। इसमें हम और फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीखेंगे। जैसे जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने ये देखा था कि डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला एक एक्सप्रेशन है, एक फॉर्मूला है जिसमें हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो फंडामेंटल हमारे पास सात थिंग, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इन सिर्फ सात का यूज करके कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूज कर सकते हैं, है ना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात हमने ये देखी थी कि अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं तो हमें जनरली MLT यानी मास, लेंथ, टाइम के टर्म्स में ही लिखना है। आइए, जो नया डायमेंशनल फॉर्मूला आप देखते हैं, आप लोग नंबर डाल के रखना, मैं बात करता हूँ पहले डायमेंशनल फॉर्मूला एंगल निकालने की। ठीक है, एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? देखो, तो अगर एंगल का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको स्टार्टिंग में कि एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल का फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस। अब यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, आर्क एक लेंथ होती है और रेडियस भी एक लेंथ होती है। तो अगर आर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे जाए तो वो होगा लेंथ, और रेडियस का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाए तो वो भी होगा लेंथ। और ये लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे तो हमें ये दिख रहा है, ये देखो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया, तो एल कितना बचा? जीरो। और एम और टी तो है ही नहीं, तो यहाँ पे एम भी जीरो, एल भी जीरो और टी भी जीरो। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, देखो ध्यान से, यहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं है, एल तो कट गया और एम और टी तो पहले से ही नहीं था, एल की पावर जीरो और एम और टी नहीं था, तो एम की पावर जीरो, टी की पावर जीरो, कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनका कोई डायमेंशन नहीं है, जिन पे पावर सब पे जीरो है, उनको बोला जाता है डायमेंशन लेस क्वांटिटी, क्या बोलेंगे? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो ये जो एंगल है हमारा, ये कैसा है? हमारे पास डायमेंशन लेस है। तो एंगल के बारे में याद रखेंगे, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे आर्क अपॉन रेडियस है, लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देखो अगर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ बोले, अगर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बोले तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ होता है, क्योंकि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों लेंथ को ही मेजर कर रहे हैं। तो डिस्टेंस का भी डायमेंशनल फॉर्मूला एल और डिस्प्लेसमेंट का भी एल। लेकिन अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की का मतलब होता है कितना एंगल मूव करा, कितना एंगल, है ना। तो हम यहाँ पे एंगल के टर्म से बात करते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो वही होता है जो एंगल का होता है। याद रखेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वही फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला, नॉट फॉर्मूला, जो एंगल का होता है। तो एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला तो कुछ है ही नहीं, मतलब वो डायमेंशन लेस है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी डायमेंशन लेस होगी, और उसका फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो कैसी क्वांटिटी? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। समझ में आ गया? तो डायमेंशन लेस है क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वही डायमेंशन फॉर्मूला है जो एंगल का है। थर्ड बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद एंगुलर वेलोसिटी की। ध्यान से देखते रहना, एंगुलर वेलोसिटी की। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, देखो जो नॉर्मल वेलोसिटी होती है, जो मैंने डिस्कस किया था इससे पहले, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो वहां पे ऊपर आता है डिस्प्लेसमेंट और नीचे आता है टाइम, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एंगुलर वेलोसिटी, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एंगुलर होगा। ठीक है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी का जो हम फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे वो होगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिंपल डिस्प्लेसमेंट मत लेना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला अलग है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला ही नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है नहीं, तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है नहीं, या तो आप ऐसे लिख लो वन अपॉन, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है ना, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं लिखो, या तो वन अपॉन और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? टी, कुछ इस तरह से लिख लो। या तो आप चाहो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन लेस क्वांटिटी, तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो। तो इन सबको लिखने से कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि देखो किसी की पावर जीरो क्या होती है? वन। एम की पावर जीरो क्या हो गया? वन। एल की पावर जीरो क्या हो गया? वन। और टी की पावर जीरो क्या हो गया? वन। और वन इंटू वन क्या? वन। तो ये वन ही है, कुछ नहीं है ना, तो वन हो गया। और नीचे क्या है? टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला तो सबको पता है, टी होता है। अब ये टी ऊपर आएगा,
तो क्या हो जाएगा t की पावर माइनस वन। और अगर हम इसको MLT के टर्म्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, m जीरो है, l भी जीरो है और t की पावर क्या है माइनस का वन। बोलो क्लियर है। एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वही होता है जो वेलोसिटी का था, बस एंगुलर यहाँ वेलोसिटी है तो यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन की, एंगुलर एक्सेलरेशन तो देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जिससे पहले पढ़ा था अगर सिर्फ एक्सेलरेशन था तो अपन ने लिखा था चेंज इन डिस्प्लेसमेंट सॉरी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है तो अपन क्या लिखेंगे, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी और इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, टाइम से, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा अब आप ध्यान से सुने, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज का अगर आप भूल जाओ इसको देखो सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शनल फॉर्मूला क्या निकला है, टी माइनस वन, ठीक है ना, यही है ना टी की पावर माइनस वन और नीचे क्या है आपका टाइम, तो टाइम का डायरेक्शनल फॉर्मूला क्या होता है टी। अब आप ध्यान से सुने, इस टी को अगर ऊपर लाऊं, देखो इस टी को अगर ऊपर लाऊं तो टी की पावर कितनी हो जाएगी माइनस वन, तो एक टी की पावर माइनस वन तो यहां बैठा है और ये वाला टी ऊपर उठ के आएगा तो ये भी हो जाएगा क्या, टी की पावर माइनस वन। अब आप देखें टी की पावर माइनस वन और टी की पावर माइनस वन इनटू में पावर ऐड हो जाती है तो माइनस वन और माइनस वन कितना हो गया टी की पावर माइनस टू। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया टी की पावर माइनस टू। अगर आपको एमएलटी के टर्म्स में लिखना है तो क्या लिखोगे, एम जीरो एल जीरो टी की पावर माइनस टू। समझ गए, तो ये थी बात एंगुलर एक्सेलरेशन की। नेक्स्ट देखते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, नेक्स्ट बात करते हैं हम मोमेंटम की। मोमेंटम भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखो जितने भी अपन फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूले लेकर आए अभी यहाँ पे इन सब को अपन को डिटेल में पढ़ना है ना, तो यहाँ पे अभी बस कोशिश करेंगे फॉर्मूले याद रखे और उस फॉर्मूले से डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालें ये सीख ले। अब बात करते हैं हम मोमेंटम की। मोमेंटम देखो मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी ये डायमेंशन ये होता है इसका फॉर्मूला। अब क्या करते हैं आपको मास के पीछे मास का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है क्योंकि मास फंडामेंटल क्वांटिटी है तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला था सिर्फ एम, याद होगा पहले नंबर पे है मास। और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए वो होता है एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन कैसे निकाला अगर देखो किसी को भूल गया हो तो ये पता है ना हमें वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हमने लिखा था वो क्या लिखा था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पर ये लिखा था वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये लिखा था। अब डिस्प्लेसमेंट क्या थी, लेंथ था और टाइम क्या था टी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा एल टी माइनस वन, तो वही आया है वेलोसिटी टी पर डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखें एल टी माइनस वन और इसको अगर आप इंटू कर दें तो क्या हो जाएगा मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन, तो मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम एल टी माइनस वन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो पहले इसका फॉर्मूला बताओ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, आप इस तरह से याद रख लें मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, याद हो गया। अब देखो बहुत आसान हो चुका है, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है एम, सबको पता है, और डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है एल होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो आपने लगा दिया स्क्वायर, तो ये हो गया एम और एल की पावर कितनी हो गई टू, तो अगर आप कंबाइन करके लिखें तो क्या लिखेंगे एम एल की पावर टू, और अगर आपको यहाँ पे टी भी दिखाना है तो क्या लिख सकते हैं आप एम एल की पावर टू, टी तो है नहीं तो टी की पावर हो गई आपके पास जीरो, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर जीरो। तो ये बात करी अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की।
इससे पहले सिर्फ मोमेंटम था, ध्यान से बात करें, इससे पहले जो रेखा था वो मोमेंटम था, अब बात करने जा रहे हैं हम इसकी एंगुलर मोमेंटम की, एंगुलर एंगुलर मोमेंटम। देखो हमने इससे पहले जो मोमेंटम देखा उसका फॉर्मूला क्या था, मास इनटू वेलोसिटी, यहां बात हो रही है एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम मतलब कुछ एंगुलर वाला टर्म आएगा, तो वहां था मास इनटू वेलोसिटी, यहां पे आता है मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मल्टीप्लाई होता है किससे, वहां था मास इनटू वेलोसिटी, यहां होगा क्योंकि एंगुलर है तो यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मल्टीप्लाई होता है एंगुलर वेलोसिटी से, किससे होता है एंगुलर वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से। तो याद रखेंगे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला और एंगुलर वेलोसिटी का, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, अभी निकाला है लेकिन अगर भूल गए, मान लो भूल गए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फॉर्मूले में ब्रेक कर दो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला अभी क्या लिखा था, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये लिखा था ना मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, और साइड में आपका बैठा है एंगुलर वेलोसिटी, ये है आपका क्या एंगुलर वेलोसिटी। देखो क्या करा, एंगुलर वेलोसिटी की जगह तो एंगुलर वेलोसिटी लिखा है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं याद था, तो हमने क्या करा उसको फॉर्मूले में ब्रेक कर लिया। तो फॉर्मूला तो याद रखो, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, अब अपन सबका डायमेंशन फॉर्मूला ले लेते हैं, तो मास का तो होता है m, ठीक है, और डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्टेंस इज लेंथ, तो लेंथ का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी याद है आपको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का तो कुछ था नहीं, तो यहाँ पे आता है t की पावर माइनस वन, याद रहा ठीक है ना, t की पावर माइनस वन, इसको कंबाइन करके लिखे तो कैसे लिख सकते हैं m l स्क्वायर t की पावर माइनस वन। तो ये है आपका एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब कुछ ऐसे डायमेंशनल फॉर्मूला एक जो देख लेते हैं जिसमें MLT के अलावा भी कुछ आ जाए, ठीक है, तो मैं ये रब कर रहा हूं और अपन कुछ एक दो ऐसे डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं जो उसमें MLT के अलावा कुछ और क्वांटिटीज देखने को मिल जाए। ऐसी क्वांटिटीज आपको वैसे 12th में देखने को मिलेंगी, लेकिन अभी अपन बस बेसिक देख लेते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि करंट का, अच्छा कोई पूछे कि करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो करंट क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी है, याद है ना, करंट इलेक्ट्रिक करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो सिर्फ क्या होता है ए होता है, याद है ए, ए फॉर एम्पियर है ना, मास आया है, तो या तो आप इसको ए लिख लो या तो क्या लिख लो एम जीरो एल जीरो टी जीरो, यहां से देखो ना एम है ना एल है ना टी है, बस क्या है ए, तो यहां पे ए है तो नया चीज आएगी ए, समझ रहे, एम भी नहीं है एल भी नहीं है टी भी नहीं है लेकिन ए तो है ना, तो यहां पे लिखेंगे ए, या तो सिंपल ए लिख लो या एमएलटी के टर्म्स में ऐसा लिख लो। दूसरी बात करते हैं करंट से रिलेटेड है और वो पूछ रही है आपसे चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज, अब चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। देखो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें जब पता चलेगा जब चार्ज का फॉर्मूला पता हो, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने करंट में ये पढ़ा है, देखो 10th के अंदर करंट की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी कि जो करंट होता है, सिंस करंट क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, याद है कितना चार्ज फ्लो करता है गिवन टाइम उसी को तो करंट बोलते हैं, तो ऊपर आता है चार्ज और नीचे आता है टाइम, हमें फॉर्मूला किसका निकालना है, चार्ज का, करंट का नहीं निकालना, हमें फॉर्मूला किसका निकालना है चार्ज का, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा करंट इंटू टाइम, ध्यान से देखते रहेगा ये हो जाएगा करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम किसका फॉर्मूला हो जाएगा चार्ज का। अब करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला तो हमें आता है क्या होता है, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इसका तो होता है ए, और टाइम का क्या होता है टी होता है, ठीक है ना, तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए टी, और क्या होगा, ठीक है, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला इसको आप कंबाइन करके लिख लो तो क्या हो जाएगा ए टी, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ए टी, अगर आपको एमएलटी के टर्म्स में लिखना है तो क्या हो जाएगा एम जीरो एल जीरो और टी की पावर वन और ए, ये तो ऐसे लिख लो, वैसे डायरेक्ट ये याद रख लो तो अच्छी बात है कि चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ए टी, ठीक है, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। देखो फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारी हैं, लेकिन वो जब समझ में आएंगी जब हम उनको पढ़ लें, उनके फॉर्मूले हमें याद हो, तब हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीख लें। तो इस लेक्चर में और इससे पहले मैं ये सिखाना चाह रहा था कि हमें अगर फॉर्मूला पता हो, फॉर्मूला याद हो, तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में डायमेंशनल फॉर्मूले के कॉन्स्टेंट के
कॉन्स्टेंट अगर कोई है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे, ठीक है।